हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विंडो 11 में सेटिंग को यूज करते हुए विंडो मैनेज माय डिफॉल्ट प्रिंटर कैसे ऑफ करते हैं वो देखेंगे। और प्लीज गाइस, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, स्टार्ट के ऊपर आपको राइट क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिख जाएगा ब्लूटूथ एंड डिवाइस, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा प्रिंटर एंड स्कैनर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा प्रिंटर के नीचे, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा लेट विंडो मैनेज माई डिफॉल्ट प्रिंटर। यदि आप इसको ऑफ करना चाहते तो यहाँ से क्लिक करके आप इसको ऑफ कर सकते हैं। ऐसे ही जब कभी भी आपको इसको ऑन करना होगा तो यहाँ से आप क्लिक करके इसको ऑन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है। और प्लीज गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।